तो बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा CCNA फ्यूचर के बारे में, यानी कि CCNA का फ्यूचर क्या है, CCNA का स्कोप क्या है और CCNA की सैलरी क्या है। आपको जो कन्फ्यूजन या डाउट रहता है वो इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला। सो ये वीडियो लास्ट तक का जरूर देखना। एंड दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके और उसके बाद बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना, क्योंकि इस पे ऐसी नॉलेजेबल और ट्रस्टेड वीडियोस आती रहती हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना IT इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद। तो दोस्तों CCNA सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या एसोसिएट, तो दोस्तों ये एक बेसिक कोर्स है। आप अगर स्टार्टिंग करना चाहते हो एक नेटवर्क फील्ड में एज ए नेटवर्क इंजीनियर, तो CCNA आपका एक बेसिक होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कम्युनिकेशन सीखना चाहते हो तो उसके पहले आपको ABCD आना ज़रूरी होता है। उसी तरीके से होता है कि अगर आप नेटवर्क में जॉब करना चाहते हो और नेटवर्क में अपना करियर बनाना चाहते हो नेटवर्क इंजीनियर में, तो आप CCNA से स्टार्टिंग कर सकते हो। अब बेसिकली मैं बात करूँ इसके फ्यूचर के बारे में, तो दोस्तों मैं बता दूं, आप चाहे वो CCNA कर लो, चाहे MCSA कर लो, लिनक्स कर लो, कोई सी भी टेक्नोलॉजी कर लो, आप पूरे करियर यानी कि 5 साल, 10 साल या 20 साल तक आप उसी पे तो काम करते नहीं रहोगे कि एज आ CCNA आपने ज्वाइन किया और पता चला आप CCNA भी 5 साल तक करते रहे, ऐसा तो होता नहीं है। आप आज CCNA पे काम कर रहे हो मतलब राउटिंग स्विचिंग पे, कल पता चले सिक्योरिटी में जा सकते हो या फायरवॉल की सिक्योरिटी में या कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हो या मैनेजमेंट में भी जा सकते हो, तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती हैं। अब आपने CCNA किया, इसके बाद आपने 1 साल 1.5 साल जॉब करी, इसके बाद आपने CCNP किया, फिर CCI किया, तो उसी हिसाब से वो चलता रहता है। और दोस्तों ये अपने दिमाग से निकाल दो बिल्कुल भी कि CCNA का फ्यूचर नहीं है और CCNA का फ्यूचर ख़त्म होने वाला, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और दोस्तों मैं यहाँ पर बात कहूँगा कि CCNA का फ्यूचर है वो और भी ज़्यादा होने वाला है, वो चाहे आपका वायरलेस हो या वायर्ड हो। यानी कि अगर मैं बात करूँगा एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वहाँ पे आपको वायरलेस भी चीज़ें मिलती हैं और वायर्ड चीज़ें भी मिलती हैं। आजकल जो वाईफाई है ये क्या है, ये एक नेटवर्क ही तो है, और नेटवर्क इस पर काम करता है जो डिवाइसेस होते हैं लाइक राउटर हो गया, स्विच हो गया, फायरवॉल हो गया, तो ये सारी चीज़ें उसी पर काम करती है। तो CCNA का फ्यूचर ख़त्म कहाँ से हो गया यार, वो है और आने वाले दिनों में और ज़्यादा होने वाला है, और इसमें जॉब्स और सैलरी और फ्यूचर काफ़ी अच्छा होने वाला। तो ये अपने आप से निकाल दो कि CCNA का फ्यूचर नहीं रहा। बस ये है दोस्तों कि आपको जॉब स्विच करनी पड़ेगी। आज अगर आपने CCNA किया तो कल उसके पर्सपेक्टिव कोर्स करो, आपको जिस फील्ड में जाना है वो, चाहे CCNP कर लो, CCI कर लो, सिक्योरिटी में चले जाओ, कॉन्फ़िगरेशन में चले जाओ, मैनेजमेंट में चले जाओ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि CCNA का फ्यूचर ख़त्म हो गया। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सैलरी की, तो जी हाँ दोस्तों स्टार्टिंग करियर जो CCNA का होता है वो कम होता है, 15,000, 20,000 या 22,000 तक स्टार्टिंग होता है। एक मैं नॉर्मल एक स्मॉल कंपनीज या आप मल्टीनेशनल में भी बेसिकली जाओगे, तो मैं एक स्टार्टिंग करियर की बात कर रहा हूँ एक प्राइवेट सेक्टर की, वो नहीं कि आपका फॉर एग्जांपल कहीं से प्लेसमेंट हो गया, जो कैंपस प्लेसमेंट कंपनी जो चाहती है जैसे कि विप्रो, SCL, IBM, टेक महिंद्रा, ये जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये अगर प्लेसमेंट उठाती हैं तो 3-4 लाख का पैकेज आराम से आपको देती है। लेकिन अगर आप वॉक इन गए हो किसी इंस्टीट्यूट से कॉन्टेक्ट करके इसके बाद गए हो, तो आपको 15 से 20 स्टार्टिंग मिल जाता है। बाकी आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है, और बाकी आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसा काम सीख रहे हो और आप कैसा अपने आप को मेंटेन रख रहे हो टेक्नोलॉजी बेसिस पे, वो सारी चीज़ें होती हैं। बाकी इसके बाद आप चाहो तो मूव हो सकते हो। आपको क्या लगता है कि CCNA में क्लाउड नहीं है, उसमें भी क्लाउड है, जो AWS लोग करते हैं उसमें CCIE भी मांगते हैं, CCIE के लोग भी होते हैं, तो यानी कि क्लाउड में भी नेटवर्क का डिमांड है और आप उसमें भी जा सकते हो, क्योंकि आने वाले दिनों में तो क्लाउड पर बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपका ये क्लियर हो गया हो कि CCNA का फ्यूचर ख़त्म नहीं होने वाला और भी आने वाला है। इसके बाद भी अगर आपका कोई कमेंट्स है क्वेरी, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम के आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पर मैं ऑन स्पॉट आंसर दे देता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नया आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस पर ऐसे ही नॉलेजेबल और ट्रस्टेड वीडियोस आती रहती हैं। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।